नमस्कार, अवेकनिंग इंडिया कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनकी शिक्षाओं को पहुंचाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि स्वामी जी की कही हुई बातें कितनी सार्थक हैं, कितनी प्रासंगिक हैं। स्वामी जी ने कहा था कि यदि मैं सोचूं कि मैं बलशाली हूं तो मुझ में बल है, यदि मैं सोचूं मैं दुर्बल हूं तो मैं दुर्बल हूं, यानी सब कुछ मेरी सोच पर निर्भर करता है। आप क्या सोचते हैं, धर्म क्या है? इंटरफेथ सर्वधर्म संभाव, आज हम इसी विषय पर बातचीत कर रहे हैं और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ हम स्वागत करना चाहेंगे प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी का, जो कि लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका त्रिपाठी जी। हाँ, नमस्कार। और इससे पहले कि हम त्रिपाठी जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करें, आइए एक नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट पर और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर धर्म है क्या। धर्म क्या है? संप्रदाय, मजहब, कर्मकांड, रूढ़ियों एवं परंपराओं का घालमेल, या फिर सत्य सनातन आध्यात्मिक मूल्यों पर आचरण से उपजी ऊर्जा? संकीर्ण सांप्रदायिकता समाज को तोड़ती है, बांटती है, आपस में लड़ाती है, अंदर से अशांत बनाती है, जबकि उदात्त धार्मिकता, आध्यात्मिकता समाज को जोड़ती है, पिरोती है एक सूत्र में, आपसी सद्भाव बढ़ाती है और शांति एवं आनंद की अनुभूति कराती है। अगर ईश्वर एक है, मानव परिवार एक है, तो क्या धर्म भी एक नहीं होना चाहिए? क्या आध्यात्मिक मूल्य एक नहीं होने चाहिए? शायद हमारी संकीर्ण सोच ही इन्हें अलग करती है। हमारे सदियों पुराने धर्म ग्रंथ ईश्वर को एक ही रूप में देखते हैं। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले कौन मंदे, एकम सत विप्रा बहुदा वदंती। इस्लाम रब्बुल आलमीन है, न कि रब्बुल मुसलमीन। ईशावास्य इंद सर्व यत किंच जगत्या जगत, सच्चा धर्म सच्चे ईश्वर की उपासना सिखाता है, साथ ही अच्छे समाज का निर्माण भी करता है। धर्म के नाम का इस्तेमाल करके आज समाज को जिस तरह भ्रमित किया जा रहा है, सांप्रदायिक ताकतों को शय दी जा रही है, आपस में मतभेद पैदा किए जा रहे हैं, ये धर्म के नाम पर कई सवाल खड़े करते हैं। क्या धर्म नितांत व्यक्तिगत मामला नहीं होना चाहिए? अगर हाँ, तो फिर यह धर्म का सार्वजनिकरण, सरकारीकरण क्यों? क्या ईश्वर को पाने के लिए हमें धर्म की जरूरत है? अगर ईश्वर एक है तो यह धर्म, संप्रदाय और सांप्रदायिकता क्यों? धार्मिक सोच को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना कितना जरूरी है? क्या वैज्ञानिक सोच धर्म को एक बदला हुआ रूप दे सकती है जो सबके लिए मान्य हो? तो जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में देखा, फिर चाहे व्यक्ति मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारा, चर्च या फिर कोई भी तीर्थ स्थल, उसका लक्ष्य एक ही होता है, ईश्वर प्राप्ति। लेकिन त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे, ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या किसी धर्म को अपनाना जरूरी है? देखिए, ईश्वर प्राप्ति को धर्म तो सभी का एक है, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो धर्म है वो किसी भी पिंड में, किसी भी पदार्थ में उसका शाश्वत गुण होता है जो उसमें है। बात यह है कि ईश्वर की प्राप्ति और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमको एक रास्ता चाहिए। हम किस रास्ते को अपनाते हैं, किस मार्ग को अपनाते हैं कि जो हमारा, हमको हमारे उद्देश्य तक पहुंचाता है। मुख्य रूप से ये हमारा एक पंथ है, एक रास्ता है, एक मार्ग है
जो हमको हमारे ईश्वर तक पहुंचाता है। उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए जितने भी हमारे पास इस समय धर्म के नाम पर हैं वो सब हमारे रास्ते हैं, परंतु जहाँ तक हम ईश्वर की बात करते हैं वह तो एक है। और जहाँ तक रही बात धर्म की, धर्म में आपको ये कहना चाहता हूँ कि धर्म जैसे कि किसी पदार्थ में है, जैसे कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति पहले तो एक मनुष्य है, उसमें कौन सा धर्म है, मानवता उसका एक धर्म है, मनुष्य होने का उसका एक धर्म है। उसके बाद वो अलग अलग पिंडों में अलग अलग चीज़ों में वो बढ़ता है, जैसे वो एक अध्यापक है, वो एक छात्र है, वो एक मजदूर है, अलग अलग व्यवसाय में जा कर के वो अलग अलग बनता है, वो एक अभिनेता है, वह नेता है, तो जो उस अब उसके बाद उसके धर्म अलग अलग बन जाते हैं। अगर एक अध्यापक है तो उसका धर्म अलग है, वो एक विद्यार्थी है तो उसका धर्म अलग है, वो एक दुकानदार है तो उसका धर्म अलग है। अध्यापक का धर्म पढ़ाना रहेगा, तो अध्यापक का धर्म है भाई उसको पढ़ना और पढ़ाना, दुनिया का वो ज्ञान जो उसके पास है, जो दुनिया में है उसको पढ़ करके अपने छात्रों को देना। यदि वो ये काम करता है तब तो वो अध्यापक के अध्यापकत्व का अर्थात उसके धर्म का सही सही निर्वहन कर रहा है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वो अध्यापक के धर्म का निर्वहन नहीं कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि जो धर्म है वो किसी भी पदार्थ के किसी भी पिंड के मूल में होता है और वही धर्म उसकी पहचान है। इसलिए ये कहना है कि मेरी और दूसरे रूप में देखिए कि छात्र है, जब तक वह अध्ययन करता है, जब तक वह ढंग से पढ़ता है तब तक वो छात्र है, तब तक वो विद्यार्थी है। जैसे ही वो अध्ययन बंद कर देता है उसके बाद तो उसको विद्यार्थी नहीं कहते हैं। तो हर व्यक्ति का हर पिंड का अपने में एक धर्म होता है। दूसरे रूप में देखिए धर्म उसको भी कहते हैं जैसे धारणा धर्म इत्याहु, किसी भी चीज़ को जैसे अग्नि है, अग्नि का काम है जलाना, अग्नि का धर्म अलग है, पानी का धर्म अलग है, प्रकाश का धर्म अलग है। तो हर पिंड का हर वस्तु का हवा का धर्म अलग है। अब नदी का धर्म अलग है, नदी बह रही है उसको जब हम पार करते हैं तो वो ये नहीं देखता है कि ये किस धर्म का अनुयायी है। अगर गंगा नदी है उसमें कोई तैर रहा है और उसको तैरना नहीं आता है तो किसी भी धर्म का या किसी भी पंथ का हो वो तो डूबेगा ना। तो वहाँ उस नदी का धर्म है कि उसको बहाना उसको पार ले जाना, ये नहीं है। तो वो धर्म किसी भी पिंड में किसी भी पदार्थ में शाश्वत होता है। अंतर इतना है कि भगवान तक पहुंचने के लिए हमने कौन सा रास्ता अपनाया। बहुत अच्छी बात है, मैं गणित की दृष्टि से आपको बताता हूं, जब आप किसी सर्किल को बनाते हैं तो किसी वृत्त को बनाएंगे तो अगर आप ऋण धन में बनाएंगे तो वृत्त बन जाएगा, ऋण में बनाएंगे तो वृत्त बन जाएगा। आप उस प्रभु तक पहुंचने के लिए, एक व्यक्ति कहता है कि इस दुनिया में प्रभु है ही नहीं, वो नास्तिक है, परंतु चलते 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 एक दिन उसको साकार हो जाता कि मैं हूं जी। तो एक व्यक्ति कहता ये है, वो चलते खोजते 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 वो कहता मैं यहां हूं। तो ये दोनों प्रकार से जो उसको चाहिए उसको कोई चीज समझ में आ जाती है। तो तर्क से बुद्धि से, हाँ इतनी बात जरूर है कि कभी कभी ऐसा होता है कि उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए अगर हमको, जब तक हमारा भाव समर्पण का नहीं होगा, जब तक हमारा भाव अंधविश्वास का होगा, जब तक हमारा भाव परिस्थिति जन्य होगा, जब तक हम दिग्देश काल के परिधि में रहेंगे तब तक हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। अगर उस तक पहुंचना है हमको तो सबसे पहले हमको एक विश्वास बहुत जरूरी होना चाहिए। और आपको लगता है त्रिपाठी जी हर धर्म वो विश्वास देता है, कोई धर्म किसी अन्य धर्म से बेहतर या कम नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी पंथ में किसी भी धर्म में जिसको आज आप धर्म के नाम से कह रहे हैं, मैं उनको थोड़ा सा ये मानता हूँ कि ये अलग अलग रास्ते हैं। धर्म तो इस दुनिया में एक ही है और वो अलग नहीं हो सकता है। अगर हम उसको अलग करते हैं तो यही विभेद शुरू होता है। हाँ वहाँ तक उस सत्य को पाने के लिए हमारे पास रास्ते भिन्न भिन्न हैं। जो उस सत्य तक पहुँच जाता है वो उसको उसका लक्ष्य मिल गया जी, और जो उस सत्य तक नहीं पहुँचा उसको उसका लक्ष्य नहीं मिला, वो भटक गया। परंतु उसको भटकाव न मिले इसलिए वो कोई ना कोई रास्ता कोई ना कोई चीज़ को लेकर के आगे बढ़ता है और वह अपने ईश्वर तक पहुंचता है। जी, सत्य की खोज ही धर्म है, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग धर्म है। और स्वामी विवेकानंद ने भी सभी धर्मों को जोड़कर देखने की बात कही। यहाँ पर त्रिपाठी जी ने कहा कि हम में से जो भी अपना काम कर रहा है, विद्यार्थी है, उसका कर्तव्य है पढ़ना, तो वो उसके लिए धर्म हो गया। अध्यापक के लिए धर्म है पढ़ाना। हमने एक और अध्यापक से बात की, आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके हैं, प्रोफेसर जे एस नेकी, और उन्होंने हमें बताया कि हम धर्म को किस तरह समझें। देखो दो तरह की अप्रोचेज हैं इंटरफेथ के लिए।
एक तो अप्रोच ये है कि हम लोगों को इकट्ठे कर लें और विद्वान धर्म के अलग अलग धर्मों के बुला लें और वो अपने धर्म की बात करें। ये तो अपने घर में भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन अगर हम सारे विद्वान इकट्ठे करें और ये सोचने के लिए कि धर्मों को इकट्ठा कैसे किया जा सकता है, तो और बात निकली। फिर हम सोचें कि धर्मों को अलहदा कौन कर रहा है। मसलन रिचुअल्स अलहदा कर रहे हैं, एक धर्म का रिचुअल दूसरे धर्म से नहीं मिलता। फिर अगर धर्म को हम सोच के चलें कि मेरे धर्म ही सबसे अच्छा है और आपका नहीं है तो मैं आपको कन्वर्ट करता हूँ, ये गलत बात है। कन्वर्शन जब तक रहेगी धर्म एक नहीं हो सकती, ये दूसरी बात है जो तोड़ती है। तीसरी बात लैंग्वेज है, आप और लैंग्वेज बोलते हैं, मैं और लैंग्वेज बोलता हूँ। आप सोचते हैं कि जो मेरी लैंग्वेज में शब्द ये है, इनकी लैंग्वेज में उसका कोई और ही मतलब है। कई बार वही मतलब होता है पर लैंग्वेज की वजह से हम समझ नहीं सकते। ये तीनों बातें अगर हम समझ लें और इनको हम सोच लें कि ये फालतू है, बाकी जो रह जाएगा धर्मों में वो सबका साझा है, ये यूनिवर्सल फेथ हो सकता है। तो प्रोफेसर नेगी से हमने जाना कि क्या चीज़ें धर्म में साझा हैं। लेकिन त्रिपाठी साहब, धर्म की जब बात होती है साथ ही साथ अधर्म की बात भी होती है। आपको लगता है कहीं ना कहीं मतभेद इसलिए हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति का धर्म दूसरे के लिए अधर्म हो सकता है? देखिए, धर्म और अधर्म में बिना अधर्म के धर्म समझ में नहीं आएगा और बिना धर्म के अधर्म समझ में नहीं आएगा। अब बात बहुत स्पष्ट है कि हम थोड़ी देर के लिए आपको एक पक्ष रखते हैं कि जो राम का धर्म है वह रावण के लिए अधर्म है और जो रावण का धर्म है वह राम के लिए अधर्म है। तो इसलिए ये सिद्ध होता है कि धर्म और अधर्म में ज़्यादा अंतर नहीं है। अब प्रश्न है कि धर्म किसको कहना चाहिए। धर्म उसको कहना चाहिए जो किसी भी समाज के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पिंड के यदि उत्थान में बाधक बनता है, यदि उसके गति को अवरोध करता है तो वो अधर्म है। समाज की गति को रोक रहा है, व्यक्ति की गति को रोक रहा है, पिंड की गति को रोक रहा है, उसके अभ्युदय में बाधक है, उसके उत्कर्ष में बाधक है और उसको उसकी मंजिल तक पहुंचने में रोक रहा है, और जिसमें वो अधर्म की बात है। परंतु दूसरी बात उसने ये कहा कि जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं, यदि प्रकृति प्रदत्त चीज़ों को आप सिर्फ अपने उपयोग के लिए, प्रकृति प्रदत्त चीज़ों को सिर्फ अपने उपभोग के लिए और स्वतः में अगर उसको उपयोग करने की बात करोगे तो वो अधर्म है। यदि आप उसको जो मैं चाहता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो दूसरे को भी अच्छा लगेगा, जो मुझे बुरा लगता है वह दूसरे को भी बुरा लगेगा, यदि ये भावना हमारे मन में है तो यही धर्म है। और हम किसी को, जब मुझे किसी चीज़ को आगे बढ़ना अच्छा लगता है तो मुझे दूसरे को भी आगे बढ़ने देना चाहिए। यही अंतर आता है कि जब हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पिंड को, किसी भी पदार्थ को उसके मंजिल तक जाने की बात को रोकते हैं और सिर्फ उसमें अपने विचारों को थोपते हैं और अपने विचारों से चलने की बात उसको करते हैं, तो मैं समझता हूं यही अधर्म है। जी, तो शायद धर्म जो है हमें निस्वार्थ होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें और हम बाधा ना बने अन्य लोगों के लिए, वह भी अपनी मंजिल तक पहुंच सके। लेकिन इस समय समाज में क्या विसंगतियां आ गई हैं, धर्म को लेकर क्या भ्रांतियां हैं, ये भी हम जरूर जानेंगे त्रिपाठी जी से। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर अवेकनिंग